மாரணி சின்னாதேவி, மாரணி திருமலம்மா, பிரணாம். பிரணாம். विजयनगर राज्य के इस भव्य दरबार में हमें आने की अनुमति दी, आपका खूब खूब आभार है। मैं सुदर्शन शस्त्रों का निर्माण करता हूँ, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूर्वज वर्षों से सदियों से शस्त्रों का निर्माण करते आए हैं। कितने युद्धों में, कितने आक्रमणों में योद्धाओं ने हमारे शस्त्रों के बल पर, उसकी नोक पर, उसकी धार पर अपने नाम स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर लिखवाए हैं। उत्तम गुणवत्ता के कारण दिल्ली के बादशाह बाबर ने पिछले वर्ष जो शस्त्र मंगवाए थे हमसे, इस वर्ष उससे 4 गुना अधिक मंगवाए हैं। पंजाब, गुजरात, अवध, बंगाल, दिल्ली, इन सभी राज्यों में भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, परंतु इन सभी राज्यों में शस्त्र केवल हमारे प्रसिद्ध हैं। अब हम अपने शस्त्रों की प्रशंसा स्वयं कैसे करें? हम अनुमति चाहते हैं आपसे महारानी जी कि आप सभी के समक्ष हम अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर सके। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। प्रदर्शन महोदय, शस्त्रों की इतनी प्रशंसा तो हमने केवल शास्त्रों में दिव्य शस्त्रों की सुनी है, जितने की यहाँ खड़े खड़े आपने अपने शस्त्रों की सुना दी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है, आप स्वयं देख लीजिए। ये हमारी निर्मित तलवार, शस्त्र कम एक आविष्कार है, एक अप्रतिम आविष्कार है। निसंदेह सुदर्शन महोदय, आपके ये शस्त्र अति उत्तम गुणवत्ता के हैं। तो रानिया, हम उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपको अपने राज्य के हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इनमें से कौन से शस्त्र चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। महारानियों, प्रत्येक राजा की सबसे बड़ी कुशलता उसकी निर्णय शक्ति होती है, और हर निर्णय एक परीक्षा होती है। अब देखते हैं आप समस्त दरबारियों के साथ मिलकर आज क्या निर्णय लेती हैं। सुदर्शन महोदय, क्षमा करें, विलंब हो गया। प्रणाम बड़ी महारानी जी, प्रणाम छोटी महारानी जी, विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रातः अम्मा का पत्र पढ़ते ही मैं समझ गया था कि महिला मंडल की सभी महिलाएं प्रातःकाल ही दरबार आ गई होंगी, और शीघ्रता के कारण किसी को भी घर पर भोजन बनाने का समय नहीं प्राप्त हुआ होगा, इसलिए मैंने सबके लिए भोजन लाना उचित समझा। पंडित रामकृष्ण, आपने इस कार्य को उचित समझा? हाँ। नहीं, ये उचित नहीं है। ये तो हम सब पर उपकार है पंडित रामकृष्ण। हम शुद्धित महिलाओं के लिए ये एक उपहार है पंडित रामकृष्ण। ये सोच तो मात्र पंडित रामकृष्ण की ही हो सकती है। आप सभी से अनुरोध है, जैसे ही आपको दरबार में अवकाश प्राप्त हो, आप कृपया कर ये भोजन ग्रहण कर लें। महामंत्री जी। जो आज्ञा। सेवक। ये आदमी हथियार फैलाए यहाँ क्या कर रहा है? महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, विलंब से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। पंडित रामकृष्ण, आप हमसे पहले कैसे आ गए? गुरुवर, मैं आपसे पहले नहीं, अपितु आप स्वयं आज विलंब से आए हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। नहीं, वो अर्थात आपको अनुशासन में आता देख कर हमें अच्छा लग रहा है। पंडित रामकृष्ण को तो हम सबक सिखाएं। गुरुवर, आपको विलंब क्यों हुआ? हाँ, वो यदि सत्य बताएंगे तो ये सभी हम पर हंसेंगे। गुरुवर जी,
आपके हाथ में क्या है? जी इसमें तो वो पूरियां हैं, लड्डू हैं, अर्थात आप मत बताइए गुरुवर, हम स्वयं समझ गए आपके विलंब से आने का कारण भी और इस डब्बे का आपके साथ होने का प्रयोजन भी। ये कैसे समझ गई? गुरु माता देखिए, गुरुवर आपकी कितनी चिंता करते हैं, आज स्वयं वो आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लेकर आए। स्वामी आज आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? हमारा जीवन धन्य कर दिया स्वामी, जीवन धन्य कर दिया। अब हमारे लिए भोजन ले आए? नहीं नहीं। हाँ हाँ अर्थात बस स्वामी बस, और कुछ भी मत कहिए, हम सह नहीं पाएंगे, ये भोजन भोजन नहीं है स्वामी, ये हमारे लिए प्रसाद है प्रसाद, इसका तो हम कण कण ग्रहण करेंगे। थोड़ा बचा के रखना। जी कुछ कहा? नहीं हम कह रहे हैं कि पूरा खाना है, ये सब आप ही को खाना है, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। जी अवश्य स्वामी, जो आज्ञा। मणि बाल्यावस्था से तो यही सुनती आ रही है कि जो जैसा बोएगा वो ही वैसा पाएगा, लेकिन इस स्थिति में बोया किसी ने, पाया किसी और ने। प्रणाम महारानी जी, दरबार में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या करूँ? दरबार में आने से पूर्व गृह कार्य, ऊपर से नौनो बच्चों की देखभाल, उनको नहलाना धुलाना। महारानी जी ये मिथ्या बोल रहे हैं। महारानी जी क्षमा चाहता हूँ, आपके मना करने के बाद भी मैं आपसे विनती करता हूँ, जब से महिला मंडल समिति का गठन हुआ है सुबह से शाम तक गृह कार्य में व्यस्त रहता हूँ, ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, विजयनगर के सारे दरबारियों को यही हाल है। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, हम चाहते हैं कि आप विचार करें कि पुरुषों के द्वारा गृह कार्य करना क्या सामाजिक व्यवस्था के विपरीत नहीं? यदि इसी प्रकार चलता रहा तो कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर आटे का डब्बा गिरेगा ही गिरेगा। गुरुवर ये आटे का डिब्बा गिरने का आपका व्यक्तिगत अनुभव है या फिर स्वयं आपने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है? हाँ। नहीं 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 नहीं। अब हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस विषय पर हमारी महारानियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। हमने आप सबकी शिकायतों, सबकी राय, सबकी विनती को ध्यान पूर्वक सुना है और हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक हेतु सभी स्त्रियों ने प्रातः से ही अपना गृह कार्य आरंभ किया और तब तक करती रहीं जब तक बैठक का समय नहीं हो गया, और उसके बाद कुछ कार्य शेष रह गया जो पुरुषों को करना पड़ा जिसके वो आदि नहीं है। फिर स्त्रियां दरबार चली आईं और यहां आकर भी वो अपना दायित्व पूर्ण रूप से संभाल रही हैं, अर्थात दोनों जिम्मेदारियां वो पूरे तन मन से निभा रही हैं। तो पुरुषों का नैतिक दायित्व ये है कि वो महिलाओं के साथ सहयोग करें और हमारे विचार से यही उचित होगा। बचपन में हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि गृहस्थ में, समाज में, यहाँ तक कि संपूर्ण सृष्टि में पुरुष और स्त्री की भागीदारी बराबर की होती है। अद्भुत प्रशंसनीय है ये निर्णय आप दोनों का, हमें गर्व है आप दोनों पर। महाराज के आते ही सब पूर्व की भांति हो जाएगा, आज महाराज की बहुत याद आ रही है, शीघ्र लौट आओ ना महाराज। सत्य वचन छोटी महारानी जी, आपने बिल्कुल उचित कहा और ये कहकर संपूर्ण वाद विवाद का अंत ही कर दिया। ये महाशय कौन है? पंडित रामकृष्णा, ये सुदर्शन महोदय हैं और ये एक शस्त्रों के प्रसिद्ध निर्माता हैं और ये चाहते हैं कि विजयनगर राज्य इनसे शस्त्रों का क्रय करे। महारानी जी मेरे मत से तो शस्त्रों के विषय में जितनी जानकारी स्वयं महाराज को है उतनी इस दरबार में और किसी को भी नहीं। मेरे विचार से महाराज के जयपुर से लौटने के पश्चात ही
हमें इस विषय पर कोई निर्णय लेना चाहिए। महारानिया, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इन शस्त्रों के विषय में निर्णय ले लें। हमें निकट के राज्य जाना है, वहां से भी हमें आमंत्रण मिला है, उन्हें भी हमारे ये विशेष शस्त्र चाहिए। सुदर्शन जी, ये बड़ा ही गंभीर विषय है, तो सर्वप्रथम हम अपने मंत्रियों के साथ एक निजी बैठक करेंगे, तत्पश्चात हम आपको अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। उचित है। महारानी चिन्ना देवी जी की, महारानी तिरुमलम्बा जी की, महारानी चिन्ना देवी जी की, महारानी तिरुमलम्बा जी की। शस्त्रों का संबंध राज्य की सुरक्षा और सैन्य शक्ति से जुड़ा हुआ है, अतः मंत्री जनों की राय से ही निर्णय लिया जाना चाहिए। जो भूल हमसे विदेशी व्यापारियों के समय हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। अतः सभी मंत्री जन अपनी अपनी राय से हमें अवगत करा दे। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, हमारा मत है कि हमें तलवारें लेनी चाहिए, क्योंकि तलवार हमारे महाराज का सबसे प्रिय शस्त्र है, जिसे वो सदैव अपने समीप रखते हैं। महारानी जी, मैं चाहता हूँ कि भाले अत्यधिक मात्रा में खरीदे जाएं, क्योंकि पहरेदारी के समय अन्य शस्त्रों की अपेक्षा भाले जो हैं अधिक उपयोगी साबित होते हैं। महारानी जी, हमारी राय में गुणवत्ता और उपयोगिता की दृष्टि से संपूर्ण शस्त्र खरीद लेने चाहिए, और हमारी सेना को अभी नए शस्त्रों की आवश्यकता भी है। महारानी, हमारा विचार है कि हमें वही शस्त्र लेने चाहिए जिनके अनुरक्षण में राज्य का अधिक धन व्यय ना हो। पंडित रामकृष्ण, आप क्यों मौन हैं? आप भी हमें इस विषय पर अपनी राय दीजिए। महारानी जी, जिस प्रकार शस्त्र को चलाने के लिए व्यक्ति में युद्ध कला के गुण होने चाहिए, उसी प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उचित और उपयोगी शस्त्रों के चुनाव की परख भी होनी चाहिए। अतः सर्वप्रथम हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे राज्य और सेना की आवश्यकता क्या है। हमने आप सबकी राय और सुझावों को ध्यान पूर्वक सुना है, और उस पर विचार करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि इनमें से कोई भी शस्त्र हम अपने राज्य के लिए क्रय नहीं करेंगे। सुदर्शन महोदय जी, महारानी जी, हम आपके इन शस्त्रों को उत्तम मानते हैं, परंतु यदि ये सभी शस्त्र हमारे पड़ोसी राज्यों के पास भी उपलब्ध हैं, तो हमारे लिए ये शस्त्र किस काम के? अर्थात पड़ोसी राज्य और विजयनगर राज्य की सैन्य शक्ति एक समान होगी, अतः हम शस्त्र वही लेंगे जिनसे हमारे राज्य की शक्ति में वृद्धि हो। सुदर्शन महोदय, क्या आप हमें इन सभी शस्त्रों का तोड़ बनाकर दे सकते हैं? यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं। आपने अपने राज्य के हित को सर्वोपरि रख अपने मंत्रीगण से जो विचार विमर्श किया है, जो निर्णय लिया है, मैं उसका आदर करता हूं, और आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन मैं उस प्रकार के शस्त्र बनाऊंगा जैसी कि आपको आवश्यकता है, उसी दिन आपके समक्ष वो शस्त्र प्रस्तुत करूंगा। सुदर्शन महोदय जी, आपकी पीठ पर ये गुड़िया कैसी लटक रही है? संतानों की है क्या? महारानी जी, आपको ये गुड़िया दिखाई देती है, परंतु हमारे लिए तो ये हमारे हृदय के समीप है। बस यूं समझ लीजिए कि इनमें हमारे प्राण बसते हैं। हमारी दो धर्म पत्नियां हैं, और ये दोनों उनका प्रतीक हैं, सदैव हमारे साथ रहती हैं। व्यापार के लिए हमें गांव गांव भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तो हम अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, बहुत याद आती है उनकी हमें, अतः सदैव हमारे साथ लेकर चलते हैं ये गुड़िया।
हम तो केवल एक अच्छे और जिम्मेदार पति बनने का प्रयास कर रहे हैं। सुदर्शन महोदय, एक बात स्मरण रखिए, ये पीठ पर गुड़िया लटकाकर प्रेम प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रेम किया नहीं जा सकता है। यदि प्रेम करते तो अपनी पत्नियों के साथ रहते, और यदि पत्नियों के साथ रहते तब आपको पता चलता कि हर दिन प्रेम के लिए कैसे उल्लू बनकर उल्टा लटकना पड़ता है। फिर आपको ये गुड़िया लटकाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि अभी तक आप एक कर्तव्यनिष्ठ पति नहीं बन पाए। हमारे विजयनगर में तो बहुत, हम भी उनमें से एक हैं। गुरुवर सत्य कह रहे हैं, जिम्मेदार पति हो तो मेरे जैसा, जैसे मैंने आज कर्तव्यनिष्ठता दिखाते हुए बच्चों को तैयार किया। अच्छा, आप इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, राज दरबार में विलंब से आकर आपने साबित कर दिया है। सुदर्शन महोदय, एक कर्तव्यनिष्ठ पति होना एक युद्ध जीतने के समान होता है, और एक ऐसा युद्ध जो प्रतिदिन लड़ना पड़ता है। महामंत्री महोदय, जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं वो युद्ध हम पुरुषों को अकेले लड़ना पड़ता है। ये जो स्त्रियां होती हैं ये मात्र कहने के लिए अर्धांगिनी होती, अन्यथा इनसे तो हमें आधा योगदान भी नहीं मिलता है। हम तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, अब ऊपर से पत्नियों का कार्यभार भी करना पड़ता है, हमारे ऊपर ये कार्यभार दोगुना हो गया है। आप मिथ्या बोल रहे हैं। अरे नहीं, सत्य कह रहे हैं ये। आप बोल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। अरे क्या बात है, आप ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, वही बात है। महारानियां इस बात विवाद को इतना बढ़ने क्यों दे रही है? उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, सबको शांत कराना चाहिए। शांत हो जाइए सब। महारानी तिरुमलम्मा, ये स्वर तो महाराज के प्रतीत हो रहे हैं। आपने तो एक ही बार सुना, हमारे कानों में तो अभी तक गूंज रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने महाराज की आवाज सुनी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो यही कहीं है। किंतु गुरुवर, ये इतनी तीव्र आवाज आई किस दिशा से? हम भी तो वही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आवाज आई कहाँ से। मैंने तो अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि मेरे ऐसे अच्छा पति उसे साथ तो क्या 70 जन्म में भी नहीं मिल सकता। कर्तव्यनिष्ठ पति बनते बनते हम पुरुष कितना त्याग कर रहे हैं ये हमसे ही पूछो। क्षमा कीजिएगा कोतवाल जी, परंतु हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। एक स्त्री से अधिक और कोई त्याग नहीं कर सकता। वो अपने पिता के घर को त्याग कर अपने पति के घर को अपनाती है, साथ ही साथ वो अपने पति के नाम को भी अपनाती है। अपने घर रौंदे के लिए वो अपनी प्रसन्नता व इच्छा को त्याग करने में क्षण मात्र भी नहीं लगाती। गुरु माता बिल्कुल सत्य कह रही हैं। हम स्त्रियाँ इतना कुछ करते हैं और कभी जताते भी नहीं हैं। देखिए, सत्य कह रही हैं, परंतु ये भी सत्य है कि पुरुषों का त्याग भी कुछ कम नहीं होता। अपने परिवार का दायित्व उठाते उठाते हम अपनी प्रसन्नता भूल जाते हैं, और हम स्वयं आज तक इसी प्रकार से जी रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा महामंत्री। रामा, ये तो यहाँ बहस आरंभ हो गई, जैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोई प्रतियोगिता हो। सच कह रहा है बंधु, ये तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता बंधु, प्रतियोगिता। अर्थात कहना क्या चाहता है रामा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच के मतभेद को समाप्त करने और पुरुषों को स्त्रियों का महत्व समझाने का उपाय मिल गया मुझे।